अरे वो लाट साहब की बेटी आज उठेगी कि नहीं? सुबह के 8 बज गए और ये महारानी अभी तक सोई है। चलो आज मेरी तबीयत बहुत खराब है बच्चे, आज मैं काम नहीं कर सकता। तो क्या घर का काम तेरा बाप करेगा छोड़ेंगे बच्ची? हरदम बहाना बनाती रहता है। मुझे आज मन माफ कर दीजिए बच्चे, कल से मैं सारा काम कर लूंगा। चल उठ कर काम कर। मैं बहाना नहीं करूंगा जी, आज मेरे सचमुच काफी बुखार है। यदि विश्वास ना हो तो मेरे शरीर को छू कर देख लीजिए, बहुत गर्म है। गर्म है तो अभी ठंडा हो जाएगा, जब 2-4 लाख तेरे पीठ पर पड़ेगी ना तो सारी बुखार उतर आएगी। मुझे आज घर माफ कर दीजिए माँ जी। मैं पैर पकड़ने से सुनने वाली नहीं हूँ, मैं जानती हूँ अच्छी तरह आजकल की औरतों को, जब काम करने का मन नहीं करता है तो बुखार का बहाना बना लेते। देखिए माँ जी, चाहे मुझे जो कह लीजिए लेकिन मेरे पिता को कुछ मत कहिए, अखिल उनका क्या कष्ट है। अरे क्यों नहीं कहूँ उसे, अरे उस कल मोहे ने तो हमें ठग लिया है, वरना मेरे अमर को लाख दहेज मिलते और समाज से उनका घर भर जाता। अरे न जाने अमन के पिता ने इस पल को ही कहां से हमारे घर ला कर। देखिए बच्चा, चाहे मुझे मार डालो लेकिन बार बार कुलक्षणी मत करिए, आखिर क्या कसूर है मेरा जो मुझे इतना सता रही है। अरे कुलक्षणी तो आप है जो रोज ऊपर भरत को जुलूम करती है। क्या कही, मैं कुलक्षणी हूँ भरत जानी? मुझे कुलक्षणी कहने की हिम्मत कैसे हुई तुझे? बस कीजिए माँ जी, और आगे मत बढ़िए वरना आज मैं भूल जाऊंगी आप मेरी सास है। क्या हुआ माँ? ये सुबह सुबह हम भारत की क्या ममता ने तुम्हें उल्टा सीधा क्यों नहीं बोला? महाभारत कब शुरू हुआ था अमर? जरा पूछ चुड़ैल पत्नी से, ये मेरी सास हूँ, मैं इसकी सास हूँ, जुबान तो चला रही जैसे छुरी सरबाज है। आखिर हुआ क्या? नहीं अमर, मैंने इन्हें कुछ नहीं कहा, उल्टा यही मुझे मार रही है। अरे मेरी आज तबीयत खराब है। अरे तेरी तबीयत खराब है तो तुझे इतना चिल्लाने की हिम्मत कहाँ से आती है? चुपचाप माँ के हुक्म का पालन कर, वरना तू तो मेरी हाल जानती है। यदि यही इच्छा है तो फिर क्यों नहीं मारते मुझे? अरे भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे। साली तू मुझसे जबान लड़ाती है? और बेटे और माँ, ये साली बहुत बहुत नहीं है। रुक जा भैया, भाभी को क्यों माना? तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? अरे ये तो पति पत्नी का झगड़ा है, किसके घर में ऐसा नहीं होता? चले जाए यहाँ से। ये पति पत्नी का झगड़ा नहीं बल्कि सास बहू का झगड़ा लग रहा है माँ। आखिर अब दोनों भाभी को इतना क्यों सताती हो? भाभी तो इस घर की लक्ष्मी है, फिर इसमें इतना जुल्म क्यों? ममता हमारी पत्नी है, तुझे इसे क्या लेने देना? मैं इसको चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, तुझे बोलने की कोई हक नहीं है, तुम जा। आपकी पत्नी है इसका अर्थ ये नहीं कि आप उसे मार डालो। देखिए भैया, भाभी पर जुल्म करना बंद कर दो वरना आप लोग खिलाफ में आवाज उठाऊंगा। अमित तुम ज्यादा बोल रहे हो, मैं तुझे कहता हूँ
कि मेरे बीच में तू कभी मत आया करो, फिर तू नहीं मान रहा है, चले जाओ यहां से। अवश्य चला जाऊंगा भैया, लेकिन याद रखना जिस दहेज के खातिर भाभी को सजा देते हैं एक दिन उसी दहेज की चिंता में आप सबको जलना होगा, क्योंकि एक अबला के आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। भारतीय समाज में औरतों का स्तर इतना गिर गया कि वो अपने अत्याचार के खिलाफ आवाज तक नहीं उठा सकते। भाभी, आज मैं आपसे एक बात पूछना है। क्या बात है? आखिर आप कब तक सहते रहेंगे इस जुर्म और अत्याचार? कुछ करती क्यों नहीं? क्या कर? कौन सुनेगा मेरी आवाज? तो फिर इसी तरह पीठ पर लात कब तक सहते? लगता है अमन भैया तो ये चाहता नहीं, बार बार आपके ऊपर इस जुल्म को देख देख मेरा तो खून खौलने लगता, लेकिन मैं बेहोश हो जाता हूँ। यही व्यवस्था तो मेरे साथ किए थे, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय समाज में पति को परमेश्वर माना गया। आप किस समाज की बात करिए भाभी? मैं मानता हूँ कि पति का स्थान परमेश्वर से कम नहीं होता, लेकिन एक पत्नी का भी स्थान देवी से कम नहीं होता। तो क्या आपको अमन भैया देवी का दर्जा देते हैं जो उसे परमेश्वर मानकर उसका लाभ सहती जा रही है? तो फिर दूसरा रास्ता क्या है जिसका सहारा लेकर मैं आगे बढ़ूं? अरे ये शराब, शराब कौन रखा? मैंने रखा है। क्यों? क्योंकि रोज रात गोमन आकर पहले शराब मांगता है और शराब ना देने पर उल्टा मुझे मारने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? एक तबला के साथ इतना बड़ा अत्याचार? अरे मैं पूछता हूँ कि अमित यहाँ क्या करने आया था? ऐसे आया था या लाइन मारने आया था? साफ साफ तो बोलते क्यों नहीं? ये आप क्या कह रहे हैं? अमित तो भला हमारा देवर है। बंद करो ये नाटक। तुम जैसी नीच औरत को मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि रिश्ते के आड़ में तुम सब कुछ कर सकती हो। भगवान करे ऐसा मत कहे स्वामी, क्यों देवर और भाभी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने पर लगे? सौ सौ चूहा खाकर बिली चली हज करने। अरे औरत की जात और पुलिस की बात पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। नहीं अमन, ऐसा मत कहिए। आखिर कब तक भारतीय समाज में औरतों को सताया जाएगा? मुझ पर विश्वास कीजिए ना, मैं पूर्णतः पवित्र हूँ। नहीं ममता, तू एक गिरी हुई औरत हो। यदि अमित के साथ तुम्हारा जरूर कोई गहरा रिश्ता है, इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा मदद करता हूं। हाँ, अमित के साथ मेरा गहरा रिश्ता है, वही रिश्ता जो सीता और लक्ष्मण के साथ था। बकवास कर, तुम बार बार यही कह रही हो। एक काम कर, अभी तू मेरे लिए एक जाम बना कर ला,
आजकल तुम काफी बोलने लगे हो। मैं कहां बोल रहे हो, अब तो विभाजन मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। अरे अरे तो अब लगेगा जब तुझे मैं रंगा हाथे पकड़ूंगा। जाओ अपने घर, दहेज का बाकी रकम 10,000 रुपया और एक रंगीन टीवी लेकर तुम आना। शराब के लिए मुझे पैसा कम होता जा रहा है। इतना बड़ा जुर्म मत कीजिए स्वामी। अखिल मेरे भैया इतना रुपया कहाँ से लाए थे? यदि बाबूजी जिंदा होते तो बहुत से ला देती, लेकिन वो भी दुनिया छोड़कर चले गए। तो फिर तुम जाओ, जाकर अपने भाई से मांग लाओ, अपने भैया के पास ही रहना, मेरे घर में तेरा कोई जगह नहीं है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गले गले, ले लो रे कोई राम की प्यारा, शोर मचा है गले गले, शोर मचा है गले गले। अरे माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत माल खजाना सब यहीं पर रह जाएगा। कंचन काया मिट्टी होगी, अरे कंचन काया मिट्टी होगी, होगी चर्चा गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारा, शोर मचा है गली गली। राम राम बजरंगी भाई। खुश रहो गंगाधर भगवान की दया से। अरे भाई तुम तो गजब का भजन गा लेते हो, कहाँ से सीखा था ये भजन? अच्छा छोड़ो भजन और कीर्तन की बात, पहले बात बताओ कि तुमने आज कितना कमाया? अरे यार मैं कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या? मैं जो ठहरा बाल ब्रह्मचारी, किसी तरह तो पेट भरना ही पड़ेगा भगवान की दया से। अरे भला तुम क्या कमाओगे, तुम तो केवल लोगों को ठगते रहते हो। तो क्या तेरे बाप को ठगता हूँ मैं साला? तुझे क्यों चिढ़ लगता है? मैं किसी तरह कमाऊं, तेरा क्या जाता है भगवान की दया से? देख बजरंगी, तुम अपने आप को महापंडित समझते हो? गेरुआ वस्त्र धारण करने में और टीका मारने से पंडित थोड़ी ना हो जाए। तेरा पुल खुल गया तो सब चौपट हो जाए। तो क्या तुम भी छोटा मोटा पंडित समझ रहे हो? अरे मैं बजरंग बली का परम भक्त हूँ, परम भक्त। मैं चाहूं तो तुझे अभी श्राप देकर नष्ट कर सकता हूँ भगवान की दया से। जलवायु का रहस्य लेता वो हमें श्राप नष्ट करेगा। तुम भी मेरे मजाक कर रहे हो? अरे तेरे जैसे दो चार लोग इस झोले में रखकर चलता हूँ भगवान की दया से। देख यार तुमसे मेरी खानदानी दुश्मनी थोड़ी ना है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कुछ खर्चा करो, आज तूने काफी कमाया है। अरे यार खर्चा की चिंता क्यों करते हो? चलो कहीं बैठ करके शराब पीते हैं भगवान की दया से। राम राम ये तुम क्या कह रहे हो बजरंगी? भला गंगाधर शास्त्री कभी शराब पीता है क्या? तो क्या शरबत पिएगा भगवान की दया से? अरे यार तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानते हो,
मैं थोड़ा उनका छा अनपढ़ गार हूँ, मुझे काम धंधा करना तो आता नहीं, मैं यहाँ से वहां घूमता रहता हूँ। अरे यार नाश्ता ही करेगा तो चलो कहीं बैठ करके राजभोग खाते हैं, भगवान की दया से। लेकिन यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, लगता है यहाँ से दुकान काफी दूर है। अरे यार गरीब आदमी हो, जब दुकाने नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या मेरा माथा खाने आया है भगवान की दया से? तुम तो कमाल करते हो भगवान जी, भला तेरा माथा खाने में क्या करना, तो क्या मेरा झोला खाने आया है भगवान की दया से? नहीं यार, मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ दे देते तो मेरा काम हो जाता और जाकर कहीं नाश्ता कर लेता। अच्छा तो तुम हमको अभी पढ़ाने शुरू कर दिया साला, जब 1000 थोक पड़ता है तो 1 बजरंगी पैदा होता है, 1 तू है जो तब से उल्टे हमें ही को डांट रहे हो। देख गंगाधर, दोस्ती हमसे है और हमारे पैसे से नहीं, भगवान की दया से। अरे ममता तो और इस समय आज तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो ममता, क्या बात है? नहीं भैया मुझे कुछ नहीं, बस ऐसे ही घूमने चली आई। तुम्हें जरूर कुछ हुआ बहन, साफ साफ बताओ तुम्हें ये हालत किसने किया? मैं उसे किसी कभी छोड़ूंगा नहीं। मेरे साथ वही हुआ भैया जो रोज घातकारियों के साथ होता है, दहेज के लिए ने फिर अगवा कर लिया भैया। क्या अम्मा ने फिर तुम पे अत्याचार किया? हाँ भैया, जब रात को घर आए तो कहने लगा कि सुबह उठते अपने भाई के पास चले जाना और बाकी दहेज का 10,000 रुपया और एक रंगीन टीवी लेकर ही वापस आना, वरना मैं दूसरी शादी कर लूंगा। आखिर उसको कितना दहेज चाहिए ममता, फिर भी तुम पर वो जुर्म करता है? वो सब बहुत बुरे आते भैया, आते रहो जी तो चाहता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। ममता तुम क्या कर रही हो बहन, जब तक इस शरीर में प्राण है तुम्हारे खुशियों में आज नहीं आने दूंगा बहन। लेकिन अब मुझसे ये जुर्म बर्दाश्त नहीं होता भैया, मैं तो वहां से तंग आ गया, मुझे वहां मत भेजिए भैया, यही कहीं मार कर मुझे फेंक दीजिए, क्योंकि मेरे कारण आपको भी बहुत कष्ट उठानी पड़ती है। तेरा भाई है, तूने कोई कष्ट नहीं होना होगा, चुप हो जाए। आंसू और दूध के साथ मेरे पास कुछ नहीं बचा भैया, फिर मैं कब तक आपका बहन भाई के लिए बोझ नहीं होती है ममता, तुम्हें ज्यादा इसमें चिंता नहीं करनी है। लेकिन आप कहां से लाएंगे भैया? तुम्हें इनकी चिंता नहीं करनी है बहन, जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक तुम्हारी खुशियों में कांच नहीं आने दूंगा। जो भाई अपनी बहन सी के लिए इतना त्याग करता है वो भाई नहीं बल्कि भगवान का अवतार है। भगवान तो सबका सर्वशक्तिमान है ममता। नहीं भैया वो सब झूठ है, संसार में कोई भगवान नहीं है, यदि होते तो न जाने रोज कितनी लड़कियां दहेज की बलि दे दी जाती है, उस समय भगवान कहाँ होते हैं? तुम बिल्कुल सही कह रही हो बहन, आजकल के अत्याचार और न्याय को देखकर लोगों का देवताओं से विश्वास उठता जा रहा है। मैं
मैं तो कहते हूँ कि मेरे भगवान आप है भैया, जो मेरी हर दर्द को समझते हैं। क्या बात है रंजन, आज तुम काफी परेशान लग रहे हो, ये क्या बात है? हाँ नीलू, मैं आज सचमुच परेशान हूँ। आखिर तुम क्या करना चाहते हो रंजन? एक बदनसीब बहन का अभागा भाई नीलू, जो सारी खुशियों को कुर्बान करके भी उसे खुश नहीं देख पाता। तुम्हारी बहन को क्या हुए रंजन, जिससे तुम इतना परेशान हो? हमारी बहन को वही हुई है नीलू, जो हर भारतीय नारियों के साथ रोज होती है। मैं समझी नहीं रंजन, आखिर तुम्हारी ममता को क्या हुई? वो दहेज का लुटेरा है नीलू, वो चाहता है कि ममता को ज्यादा कष्ट देने पर हमें मुंह मांगा दहेज मिलेगी। उन्हें तुम स्वयं जाकर क्यों नहीं कह देते हो रंजन कि मैं बार बार दहेज नहीं दे सकूंगा? वो दहेज का लुटेरा है नीलू, वो हमारी बात तो कभी नहीं सुनेगा, इसलिए मैं आज इतना परेशान हूँ। ठहरो रंजन, आखिर इस समय तुम कहाँ जाओगे? मुझे किसी तरह 10,000 रुपए का इंतजाम करना है नीलम, तब मैं अपनी बहन को विदा कर पाऊंगा। इस समय तुम्हें अचानक 10,000 रुपए कौन देगा रंजन? कहीं ना कहीं तो व्यवस्था करनी ही पड़ेगी नीलम, एक छोटा सा प्लॉट है, किसी सेठ को देकर 10,000 रुपए ले लूंगा। नहीं रंजन, अपने सर पर इतना कर्ज मत उठा लो ताकि चुकाते चुकाते पूरी जिंदगी खत्म हो जाए। इसके सिवा दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है नीलम, कौन मुफ्त में आजकल 10,000 रुपया देगा मुझे? इस सोने की हार को रख लो रंजन, लगभग 2 भर है, किसी सेठ के यहाँ बेचकर रुपए निकाल लेना। ये तुम क्या कर रही हो नीलम, मेरे लिए तुम इतना कीमती हार को क्यों बर्बाद कर रही हो? इसे रख लो रंजन, तुम्हें इसकी सख्त जरूरत है, हार तो फिर से बन जाएगा लेकिन इससे ममता का उजड़ा घर फिर से बच जाएगा। तुम महान हो नीलम, तुम पर मुझे गर्व है। आई लव यू रंजन, आई लव यू। किसी तरह 5,000 रुपए का इंतजाम हुआ है, और 5,000 रुपए कहाँ से लाऊं? ये लीजिए भैया, मैं देता हूँ 5,000 रुपए और किसी तरह ममता भाभी को विदा कर। नहीं, तुम्हारा मुझे ये ऐसा नहीं चाहिए। अरे तुम लोग तो दहेज के लुटेरे हो, फिर भी अपना एहसान क्यों दिखा रहे हो? क्या मेरे चले पर नमक छिड़क रहे हो? मैं कहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। आप हमें गलत समझ रहे भैया, मैं वैसा नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। मैं भले ही अमन का छोटा भाई हूँ लेकिन मैंने हमेशा अपने भाभी के साथ दिया। नहीं, तुम झूठ बोलते हो। अगर तुम लोग सही रहते तो मेरी बहन को बार बार यहाँ नहीं आना पड़ता। अरे तुम लोगों को कितना दहेज चाहिए हो? माफी चाहता हूँ भैया, लेकिन मैंने हमेशा अपने भाई और माँ का विरोध किया। मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं है अमित, आखिर एक शैतान के घर इंसान कैसे पैदा हो सकता है? जब रावण के घर में भविष्य पैदा हो सकता है तो दुर्गा और अमन के घर में अमित क्यों नहीं पैदा हो सकता? अमित जी कह रहे हैं भैया,
यही एक इंसान है जिसके कारण वहाँ में जिंदा रह पाई, वरना उन लोग न जाने मुझे कभी का मानते होते। मुझे माफ कर दो, मैंने ना जाने हमें इसमें आकर तुम्हें क्या क्या बच दिया, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए भैया आप, क्योंकि आपकी इतनी कोशिश के बावजूद भी हम लोग कभी ममता भाभी को खुश नहीं रख पाते। क्या करूं हमें, मुझे ममता का दुख बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। मुझे भी भाभी का दुख सहन नहीं होता भैया। मैं अपने दोस्त से कुछ उधार रुपए लेकर आया हूँ, इसलिए इसे रख लीजिए ताकि आपको कुछ आसान हो जाए। हाँ भैया इसे रख लीजिए वरना इसका मन छोटा हो जाएगा। तुम धन्य है हमें अपने भाभी के प्रति इतना बड़ा त्याग करके, आज तुमने ये साबित कर दिया कि तेवर और भाभी का रिश्ता भी अन्य रिश्तों से कम नहीं होता। अब आप तैयार हो जाइए भाभी, एक घंटे बाद गाड़ी है, हम लोग उसी गाड़ी से निकल जाएंगे। मैं बिल्कुल तैयार हूँ अभी, पहले तुम कुछ नाश्ता तो कर लो, फिर चलेंगे। नहीं भाभी अभी अभी खाया हूँ, खाने की इच्छा नहीं। ये लो हमें और अपने भैया को दे देना और बोल देना कि 8 दिनों के अंदर मैं रंगीन टीवी लेकर आ रहा हूँ, आज के बाद कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। आप जीत रहे भैया, मैं उस घर में आज के बाद कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद अगर भाभी को कुछ हो गया तो भाभी से पहले मेरी अर्थी उठेगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है हमें। ममता आप तुम ठीक से रहना बहन और बीच बीच में पत्र लिखते रहना। मैं 8वें रोज रंगीन टीवी लेकर आ रहा हूँ। भैया तुझे ज्यादा चिंता नहीं करनी है बहन, तू ऐसे रोएगी तो तेरा भाई भी जीते जी मर जाएगा। जिसे इस लक्ष्मण जैसा देवर मिला हो उसे किस दुख कैसी दुख होगी, फिर तुम्हारा ये भाई जिंदा है ना। अच्छा भैया मैं चलता हूँ। बेटे अमन वो महाराज अभी तक नहीं आया, क्या बात है, वो इतना जल्द कैसे आएगा। वो 10,000 रुपया और रंगीन टीवी जब तक से नहीं ले गया आएगी वो कैसे आएगा। हाँ बेटे सही बोल रहे हो, उस चुड़ैल को वहीं सब दे दो, देखना मैं तुम्हारी शादी कहीं और करा दूंगी। सोना चांदी दहेज बहुत ज्यादा मिलेगा, मैं आज ही कंधा घर को भेजती हूँ लड़की देखने के। दूसरी शादी करके ही
भाभी को माइके भेजते हैं और मैं वहां से एक बार ला दिया तो जुल्म हो गया। ये लो 10,000 रुपए भाभी के भाई ने भेजे हैं और कहा है कि 8 दिन बाद रंगीन टीवी लेकर खुद आ रहा है। ओ तो आ रहा है तो क्या कर लेगा, करेगा कुछ नहीं बा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज के बाद इस घर के महाभारत को बंद कर दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। शराब नहीं पिलाओगे? अरे यार अमन का ही तो मस्ती है, जब जी चाह अपनी पत्नी को चार अंडर मार कर मायके भेज दे, बस 2-4 दिन बाद 10 सर आ ही जाएंगे। क्यों अमन? अरे यार तुम लोग भी तो जब हो तो क्या मैं अपने घर से शराब पिलाता हूँ? कौन कहता है कि बाप घर से पिलाता है? अरे पैसा कहीं से नहीं आया, शराब पीने से नहीं पाते और उसके बाद सारे काम जब हो जाए। अरे यार अमन बहुत दिलदार है, इन्होंने कभी ना नहीं कहा, देखना ये तुरंत शराब का ऑर्डर दे ही देते। शराब तो उस दिन जम कर पिलाऊंगा जिस दिन हमारे रास्ते का कांटा खत्म हो जाएगा, तब देखना उस दिन तुम लोग को शराब से शराबेज कर दूंगा। अरे यार इसमें सोचने क्या बात है, एक दिन उसका काम तमाम करता हूँ और रचाओ दूसरी शादी। यदि तुम्हें दूसरी शादी करने की इच्छा है तो मार डालो उस छुट्टी को और खाने में 10-20 हजार देकर लाश को ठिकाना लगा दो, आगे कुछ नहीं होगा। तुमने ठीक कहा समझे, मैं पुलिस इंस्पेक्टर से बात करता हूँ कि एक मर्डर के लिए वो कितना रुपया लेगा। अरे यार इसमें सोचने की क्या बात है, पहले मर्डर का करे बाद में थाना से जाकर हम बात पक्की कर लेंगे। ठीक है यार चलो पहले मुंड बनाते हैं उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ओ पैरा पैरा क्या जाओ तो 3 बोतल शराब लेकर आओ। कुर्सी कौन लाएगा तेरा बाप, कहाँ बैठेंगे हम, कुर्सी भी लेकर आओ।
बैरा ओ बैरा, अरे यार चखना तो लेकर आओ, जाओ चखना लेकर आओ जल्दी। मंगल है हमारी
होती है, आप लोग घर जा सकते हैं। अरे गंगाधर, फिर तुम आ गए मेरे कबाब में हड्डी बनने के लिए भगवान की दया से। अजीब बात करते हो, भला मैं तुमको छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ। मैं तो यह रामायण सुनने के लिए आया था। जब आप बकवास मत करो,
मैं तेरा यह अद्भुत चेहरा देखकर मुझे मेरा दिमाग फौल उठता है। अगर मरना मेरे वश में होती तो मैं वश से बच जाती, लेकिन मौत इतनी जालिम है कि वो चाहकर भी मेरे पास नहीं आती। मौत अपने आप नहीं आती है, मौत को बुलाना पड़ता है। जा चुटकी भर जहर खाकर मर जा। भगवान के लिए सहमत के लिए स्वामी, यदि मैं मर गई तो मेरे भैया जीते जी मर जाएंगे, वो मेरे मौत को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो फिर तुम अपने भाई को बुलाकर भी उसी के साथ दोनों जहर खा के मर जा। खबरदार भैया के संबंध में कुछ बोला दो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अरे मेरे भैया ने आपका क्या बिगड़ा है जो उन्हें मरना चाहते हो? अरे आप लोग मनुष्य नहीं कसाई हो, कसाई। ज्यादा ऊंची आवाज में बात हुई ना तो मैं तेरे सांस ही बंद कर दूंगा। बहुत हो गया अमन, और आगे मत बढ़ो वरना भगवान ने मुझे भी याद दिया है। अरे तुम लोगों ने मुझे बहुत सताया और मैं सहती रही। यदि तुमने मुझे दोबारा हाथ उड़ाने की कोशिश की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझे इस क्रेडेरे को वक्त सजा दे करूंगी। खमोश पड़ गई। तू अमर को चुनौती देती है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ भैया, मत चलाओ गोली वरना अनर्थ हो जाएगा। तू हट जाए अमित, मेरे सामने से तू हट जा। आज मेरा मूड खराब है, कहीं तुम दोनों ना मर जाए। तो चलाओ गोली भैया, आज इस घर से भाभी के पहले मेरी अंत्य उठेगी। मैं जीते जी इस लक्ष्मी को मारने नहीं दूंगा। हट जाओ अमित, तो ममता के लिए क्यों तू अपना जान देना चाहता है? हाँ अमित तुम हट जाओ, क्यों मेरी अपनी जान जोखिम में डालते हो? मुझे मरने दो, चलाओ गोली अमन। नहीं भाभी, मैं जीते जी तुझे नहीं मरने दूंगा। मैंने रंजन प्रिया को वचन दिया है कि ममता भाभी को कुछ नहीं होने दूंगा। तो फिर तो न मरो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे हरम चादी, तेरे चलते मेरा भाई मारा गया, तू क्यों जिंदा बैठी है? तू भी जा। ये तुमने क्या किया अमन? इस कलमोही की वजह से अपने भाई को मार डाला। चुप हो जाओ मां, कहीं ये टोल वाले पड़ोसी वाले जाग जाएंगे तो खराब हो जाएगा मां। हाँ बेटे, अब जो होना था वो तो हो गया, अब इसे जलाने का उपाय करो, मुझे काफी डर लग रहा है। हाँ मां, मैं जलाने के लिए प्रयत्न करता हूँ। संजय, तू कह रहा था कि मर्डर करो ना, मर्डर तो कर दिया, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा यार, चलो पुलिस से बात कर कर इस लाश को ठिकाना लगा देते हैं, आगे कुछ नहीं होगा। नहीं संजय, मैं पुलिस के नहीं जाऊंगा, नहीं तो वो मुझे पकड़ लेंगे। ठीक है यार, तुम मत जाओ, तुम्हें जाना ठीक नहीं है,
इस लाश को तुम छुपाने का प्रयत्न करो और लाओ 50,000 रुपए, हम जाकर थाना से बात पक्की कर लेंगे। ठीक है राहुल, तुम दोनों जाओ और सुन लो, पुलिस दिन भर नहीं आनी चाहिए। इसके लिए तुम निश्चित रहो अमन, पुलिस आज तो नहीं, 2 दिन तक पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं जाएगी। और तुम निश्चित होकर इस लाश को जलाओ, हम लोग चलते हैं। क्या हुआ चाची, आप दोनों आज परेशान क्यों लग रही हैं? लगता है ये क्यों सोते हैं? कुछ नहीं गंगाधर, बस इसे यही चक्कर आ गया था और गिर गए। डॉक्टर आ रहा है, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के यहाँ ले जाना है या अस्पताल ले जाना? अरे जा जा, जाकर तुम क्या कर लेगा? मेरे हाथ में प्रशासन है। अब इसे जलाने का उपाय करो अमन, मुझे तो काफी डर लग रहा है। आओ रंजन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पहले ये बताओ कि ममता कैसी है? ममता ठीक ही होगी दीदी, मैं उसके लिए कल रंगीन टीवी लेकर जा रहा था। इसीलिए आज तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी दिखाई दे रही है रंजन। हाँ नीलू, अब मैं बहुत खुश हूँ। तुम तो त्याग और साहस की मूर्ति हो, जो मेरे मन मंदिर में भगवान की तरह वास कर चुके हो रंजन। तुम महान हो रंजन, तुम महान हो। महान तो तुम हो नीलू, जो इस गरीब बेसहारा की जीने की सहारा बने। इस संसार में कोई गरीब और कोई अमीर नहीं होता रंजन, सब एक ही समान है। मैंने मानवता का साथ देने के लिए तुम्हारा दामन पकड़ा है, बस इस अभागिन को अपने चरणों में थोड़ा स्थान दे दो रंजन। तुम्हारा स्थान इस चरणों में नहीं बल्कि मेरा दिल में है। आई लव यू। फिर हम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए रंजन, आखिर कब तक इन बागों में छुप छुप कर मिलते रहेंगे? और हमें कितना दिन इंतजार करना पड़ेगा रंजन? तुम तो इस समाज को अच्छी तरह से जानते हो। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है नीलू, दुनिया की कोई भी ताकत हम दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगी। खत्म कर दूंगा उन सारे संबंध को जो हम दोनों के बीच मजबूत दीवार बनकर खड़ा होगा। खत्म कर दूंगा उस रिवाज को जो हमारे बीच आएगा। रंजन,
गजब हो गया रंजन भाई, गजब है। क्या गजब हो गया गंगाधर? साफ साफ बोलो। दहेज के विचरण ने आपकी बहन को मार डाला। दहेज की बलिवेदी पर प्राण की मौत, आखिर कब तक ये दहेज का नंगा नाच होगा? जल्दी करो, कहीं कोई आ न जाए। हाँ माँ, अब मैं इसे आग लगा ही रहा हूँ। हाँ बेटा, जल्दी जलाओ, कहीं इसका हरा फोर खाई आ गया तो सारा किया कराया बेकार हो जाएगा। मुझे तो काफी डर लग रहा है। माँ तुम चिंता मत करो, अब मैं जल्द ही जला दूंगा इसको। रुक जाओ मत, मत चला मेरी बहन को। ममता, तुम अपने भैया को छोड़कर कहाँ चली गई रे? हिम्मत से काम लो बेटा, ये बहू तो हमारी घर की लक्ष्मी थी। मुझे काफी डर लग रहा है बेटे। अरे ये तो हमारी घर की लक्ष्मी थी, हिम्मत से काम लो। अरे इससे अच्छा ये होता कि पहले मैं मर जाता। मत कहो मुझे बेटा, अरे तुम दोनों ने मेरी बहन को मार डाला है। तुम लोग दहेज के लुटेरे हो, तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दो रंजन भैया, मैंने ममता को बचाने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन कुछ गुंडे ने आकर मेरी ममता को मार दिया। जब मैंने ममता को मरते हुए देखा तो अमित दौड़ता हुआ आया और उसको भी मार दिया। हरामखोर, जले पर नमक छिड़क रहा है, अपनी गंदी जुबान से भाई जैसा पवित्र शब्द निकाला तो तेरा जीव खींच लूंगा। नहीं अमन भैया, मैंने कुछ गलती नहीं किया, ना है तो मां से पूछ लो। बहू को जलाने दो रंजन, आखिर इसे कब तक इसे ऐसे ही रखा जाएगा? नहीं, मैं अपनी बहन को तुम जैसे कसाई के हाथ नहीं जलने दूंगा। ममता मेरी पत्नी है, मुझे इसकी मुंह की अग्नि देना मेरा धर्म है। हरामजादे, मुझे उपदेश देता है? अरे किस पत्नी की बात करता है तू? इस ममता की जिसने तूने रिवाल्वर से मार दिया? अरे कायर कुत्ता भी कुत्ता का मांस नहीं खाता है, लेकिन तू तो कुत्ता से भी बदतर निकला। आ ममता की लाश को दुनिया की कोई भी ताकत हम नहीं रख सकती। अमन
रुक जाओ रंजन भैया, लाश को मत ले जाइए। चल हट साला, वरना तुझे ऊपर भेज दूंगा। अब क्या होगा बेटा, वो हरम घर तो अपनी बहन को लेकर चला गया पुलिस स्टेशन। कुछ नहीं होगा माँ, पुलिस स्टेशन पर हमारा दोनों दोस्त वहाँ मौजूद है, वो बांध दे दिया गया है वहाँ। जल्दी रह जाओ, एक चोर को पकड़ने चलना है। सर चोर को पकड़ कर क्या कीजिएगा सर, बेकार के थाना जाम करेंगे नो। अरे चोर को नहीं पकड़ोगे तो क्या करोगे, सरकार तुम्हें बैठा कर बता देगी। सरकार भी बेहतर कहाँ देती है सर। सर पिछले 8 महीना से मेरा पगार नहीं मिल रहा है सर, आपका इंस्पेक्टर है इधर उधर लेकर काम ही चला लेगा। मोदी एक हौलदार बेचारा गया काम से, दिन भर खैनी मलते रहिए, कोई पूछने वाला नहीं है सर। अच्छा सर खैनी खाइएगा क्या। होते ये पुलिस स्टेशन है, चिड़ियाघर नहीं। समझ गए सर, अब गलती नहीं होगी। ठीक है कुछ मिल जाएगा। मोबाइल वाला के ताकत प्रणाम इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए बैठिए। होते तुम जाओ, इन लोगों से कुछ बातें करने हैं। सर मुझे भी यही रहने दीजिए, जो कुछ हिस्सा होगा वो दे दीजिएगा सर। फिजूल की बातें मत करो, मत चुपचाप ऑफिस के बाहर खड़ा रहो। मैं जा रहा हूँ सर, नाराज मत होइएगा, लगता है मामला गड़बड़ है सर। कहे संजय हो रहा हूँ, कैसे आना होगा, फिर कोई अस्पताल है क्या। स्मगलिंग नहीं बल्कि मर्डर हुआ है सर, मर्डर। ये लीजिए अपना तोहफा, पूरे 50,000 गन लीजिए। पूरे 50,000, मैं तो इतने पैसे में तो पागल हो जाऊंगा, पागल। चल परसी है खाना, पागल होने की कोई आवश्यकता नहीं है सर, और चाहिए तो और मिलेगा, सिर्फ अमन को बचाना है। अमन को जाना है, अरे उसने क्या किया, क्या किया। अरे उसने अवेश में आकर अपनी पत्नी और भाई को मार डाला, बस उसी लाश को जला रहा है, तब तक उसका साला आ जाए, रोकना आपका काम है। उसका साला, अरे उसका साला तो क्या, इतना पैसा भी तो पूरा दुनिया का रोक सकता हूँ। पगला को भाई ले लो चीज़ खाना लगा के। ठीक है सर, जरूरत पड़ी तो फिर मिलेंगे। अच्छा गुड नाइट सर। गुड नाइट भाइयों। हो गई सारी बातचीत सर, गोइलो। हाँ हाँ बातचीत हो गई। कितना मिला सर, कुछ मुझे भी मिलेगा नहीं। क्या बक रहे हैं मोते, क्या मैं घुस लेता रहा हूँ। नहीं भला, आप क्यों घुस लेते हैं सर, आप तो रिश्वत लेते हैं सर। बकवास बंद कर मोते, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं तुम कौन पूछने वाला, ज्यादा बक बक के तो मैं तुझे भी कर दूंगा। नहीं सर, मुझे भी यही रहने दीजिए सर, सस्पेंड मत कीजिए सर। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन को दहेज के लुटेरे ने मार दिया है।
ये देखिए लाश को आपके सामने उठा लाया हूँ। अरे भाई इतना गड़बड़ा क्यों रहे हो? अरे मर गए तो मर गए, अरे आए से भी भारतीय जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इंस्पेक्टर ये हमारी नहीं है, इसे दहेज के लुटेरे ने मार दिया है। ठीक है माना कि मार दिया गया है, मैं जब जब मैं कब तक विश्वास करूंगा? जब तू इसका पोस्टमैन नहीं हो जाएगा तब तक मैं विश्वास नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है ये आत्महत्या कर रहा हो। नहीं सर ये आत्महत्या नहीं की है, दहेज के लुटेरे ने इसे मार दिया है। मोते इस लाश को ले जाओ पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दो। नहीं मैं अपनी बहन को किसी को नहीं छूने दूंगा, ये तो मर चुकी है और इसे कितना मारोगे? तो फिर हटाओ इस लाश को, क्यों थाना गांधा कर रहे हो? इंस्पेक्टर थाना तो पहले से ही गंदा हो चुका है, तुम लोग कानून को बेचने वाले हो, फिर थाना कैसे साफ रहेगा? साला कानून को झूठ दे रहा है, अभी चढ़ मारकर अंत करवा दूंगा। कानून को नहीं बल्कि तुम जैसे भ्रष्ट पुलिस इंस्पेक्टर को धमकी दे रहा हूँ। इंस्पेक्टर मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम याद रखना आज के बाद मैं नहीं बल्कि तू आएगा और मैं उस दिन तुझे छोड़ूंगा नहीं कभी नहीं। जिया राजा। अरे जा जा तोरे ये छेकड़ा प्रतिदिन दो चार आता जाता रहता है, तू मुझे क्या बिगड़ लेगा? धर्मपाल सिंह स्वयं शरीर ना गहना। Oh,
तुम हमें छोड़कर कहाँ चली गई रे बा? हे भगवान, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हिम्मत से काम लो रंजन, इस प्रकार आंसू बहाना ठीक नहीं। अब मेरा हिम्मत टूट चुका है नीलो, अब मैं भी अपनी बहन के साथ मर जाना चाहता हूँ। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो रंजन? नहीं नीलो, मैं अब जीना नहीं चाहता। कौन मेरी बहन को न्याय दिलाएगा? चारों तरफ गुंडों का राज है, पुलिस पैसों पर बिक रही है, कौन न्याय को सुनेगा? देर है लेकिन अंधेर नहीं रंजन, तुम अभी जवान हो, कुछ ऐसा कर दिखाओ जिससे आने वाली पीढ़ियां दहेज के नाम पर कांप उठे। तो फिर हमें क्या करना होगा नीलू? कैसे मेरी बहन को आत्मा की शांति मिलेगी? ये लूटी वालों रंजन, बिठा दो दहेज के लुटेरे को जो दहेज की कमाई पर अपना घर चलाते हैं। तुमने ठीक कहा नीलू, आजकल इसी के बल पर न्याय मिलता है। मिटा दूंगा दहेज के लुटेरे को जो दहेज के कारण बहु बेटियों को मारता है। आज से मैं चंबल घाटी के बिहार जंगल में जाकर रहूंगा और उन लुटेरे को चुन चुन कर मारूंगा। सावधान हो जाओ दहेज के लुटेरे, तेरा काम आ रहा है। कहानी मेरी कैसे बदलती जवानी मेरी, सारा समंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है, मेरी प्यास है, मेरी प्यास है। देखा थमाने कभी प्यार से, अब मिल गई वो भी संसार से। मैं वो लुटेरा हूँ जो लुट गया, माँ का भी आंचल कहीं छूट गया।
अमन कमीना, मैं आ रहा हूं तेरे मौत का फरिश्ता बनकर, जल्द तेरे घर आ रहा हूं कमीना, मैं तुझे तड़का तबाह कर मारूंगा। बोस जगीरा का भी सलाम कबूल हो। आओ साथियों, हम तुम दोनों का इंतजार कर रहा था। हुक्म बोस, क्या करना है? किसी का मर्डर करना है या सरकारी खजाना लूटना है? केवल आप आदेश दीजिए बोस, फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। आपके सपने को कैसे पूरा करता हूँ? मैं चाहूँ तो अमन के बच्चे को पूरे खानदान सहित मिटा सकता हूँ। नहीं फकीरा, इतना उतावला मत हो। अमन के लिए मैं काफी हूँ। नहीं बोस, अमन जैसा छोटा चिड़िया के लिए आप हम करने क्यों करेंगे? आप तो चंबल का शेर है, शेर कभी चूहा का शिकार नहीं करता। उसके लिए तो आपका जगीरा फकीरा ही काफी है। नहीं जगीरा, जिस मकसद को लेकर तेरा ये दोस्त का डाकू बना है, सिर्फ उसका अमन और उसका चाटुकार दोस्त है। खत्म कर दूंगा दहेज के लुटेरे को, जो दहेज के कारण बहु बच्चियों पर जुल्म करता है। गुस्ताखी माफ करो बोस, मैंने अपने इतिहास को समझा नहीं था। इसमें माफी की कोई बात नहीं है फकीरा, हम लोग कोई पसेवा डाकू नहीं है जो सबको लूटता है। हमारा काम सिर्फ अमीरों को लूटना और गरीबों में बांट देना है। आज के बाद कोई भी वाहन दहेज की बाजी पर नहीं चलेगी। आखिर कब तक हमारी वाहन दहेज की बाजी पर चलती रहेगी? आज के बाद दहेज के लिए कोई भी दुल्हन नहीं बनेगी। शाबाश साथियों, शाबाश। हम तुम दोनों से यही उम्मीद थी कि तुम दोनों भी इस पुनित कार्य में हमारा साथ दोगे। ममता बहन की मौत में हम सभी का आंख खोल दो बस। आखिर कब तक हमारी बहनें दहेज के लिए जलती रहेगी? मिटा देगा दहेज की लुटेरों को, जो हमारे बहन बेटियों के दहेज के लिए अत्याचार करता है। हाँ साथियों, अब हमें अमन का घर चलना चाहिए और दहेज पे चलने वाली बहु बेटियों को बचाना है। अब हमारा एक ही संकल्प होगा। प्रणाम इंस्पेक्टर साहब। अरे आइए आप बाबू बैठिए, स्वागत है आपके धर्मपाल के ऑफिस में। अभी बैठने का समय नहीं है इंस्पेक्टर साहब। सिर्फ मैं दुखड़ा सुनाने आया हूँ। अरे भाई, मैं तो आप पहलू का सेवक हूँ, मेरे रहते आप लोगों का क्या हो सकता है? या फिर मर्डर किया है किसी का बलात्कार? वो सब बात नहीं है इंस्पेक्टर। एक खतरनाक अपराधी को पकड़कर उसे जेल में डाल देना है। अपराधी? अरे कौन सा अपराधी? ये क्या कह रहे हैं राहुल? अरे अपराधी का तो स्वयं आप लोग आए, फिर किसे पकड़ना है?
एक खतरा अपराधी की पकड़ना है इंस्पेक्टर साहब, जिसका अपराध आसमान छू रहा है, ऐसा डाकू को पकड़ना है जो अमीरों को लूटकर और गरीबों को बांट देता है। डाकू? कौन सा डाकू? वही डाकू जो कुछ दिन पहले ममता के मौत के बाद वह पागल होकर नंगा डाकू बन गया है और चंबल की घाटी में घूम रहा है। उसका आतंक दिनों पर दिन बढ़ता जा रहा है सर। वह हर एक बुद्धू नौजवानों को मार गिराता है। उसे किसी तरह पकड़कर रियासत में डाल दीजिए सर। ठीक है भाई, डाकू तो पकड़ा ही जाएगा, इसके लिए मेरा जान पकड़ना पड़ेगा, इसलिए कुछ मान पाने ज्यादा लगेगा। पैसा के लिए चिंता मत करिए इंस्पेक्टर साहब, पैसा का इंतजाम हो जाएगा। अब आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं कल ही पूरे पुलिस फौज के साथ चंबल की घाटी का चप्पा चप्पा छान मारूंगा। ठीक है सर, अब हम लोग चलते हैं, काम हो जाना चाहिए। क्या बात है सर, आज बहुत खुश लग रहे हैं सर। कितना खुश मिला सर, कुछ मुझे मिलेगा कि नहीं? तब इससे बात गर्म होते जो मनसो बकता जा रहा है। जो मन सो नहीं सर, बल्कि सच कह रहे हैं सर, कम से कम 10% दे दीजिए सर। बकवास मत करो मोते, चलो आज हमारे साथ चंबल की बिहो जंगल में जाकर रका डाकू को पकड़ना है। बस और कमाल है, डाकू को पकड़ने के लिए आप घुस लेते हैं, जहाँ मरने की बात होती है वहाँ हमें भी आगे बढ़ते हैं। मैं वहाँ नहीं जाऊंगा सर। खामोश मत, तुम अपने अवकाश से बाहर जा रहे हो, मैं चाहूंगा तो तुझे अभी सस्पेंड कर दूंगा, वरना चलो मेरे साथ। मैं वहाँ नहीं जाऊंगा सर। क्या गजब हो गया मीरा, किसका काम नदी का गया? इंस्पेक्टर धर्मपाल फौज लेकर आ रहा है। इंस्पेक्टर धर्मपाल, लगता है उसकी मौत यहाँ खींच के ला रही है। पुलिस की गश्ती जंगल में प्रवेश कर चुका है बॉस, अब हमें सावधान रहना चाहिए। पुलिस को सामने आने दो फकीरा, लगता है धर्मपाल की मौत यहाँ खींच के ला रही है। इंस्पेक्टर धर्मपाल अगर अपनी मौत की खैरियत चाहता है तो वापस वही थाने लौट जा, वरना तेरी लाश को चंबल की घाटी में दफन कर दूंगा। मोर्चा संभालो साथियों, लगता है पुलिस की गश्ती जंगल में घुस चुकी है, एक ही पुलिस बचना नहीं चाहिए। <स्थ
हम चलिए रुक जाओ ना को आगे मत बढ़ो, पुलिस तुम्हें चारों ओर से घेर चुकी है। धर्मपाल आज तुम भी बच नहीं पाओगे, हिम्मत है तो सामने आ कमीने, यदि तेरी फौज का चिथड़े नहीं उधर दिया तो मेरा नाम भी राका डाकू नहीं। हम गदा डाकू झाड़ी में छिपकर क्यों बैठे हो, यदि हिम्मत है तो सामने आओ। इंस्पेक्टर धर्मपाल तुझे ललका रहा है। चुप चुप खड़ा हो जाओ इंस्पेक्टर, जरा भी हुए पुलिस किया इससे तेरा खोपड़ी उड़ा दूंगा। एक पुलिस अधिकारी को पकड़कर रंजन कौन को जो देता है, कानून को नहीं बल्कि तुम जैसे भ्रष्ट पुलिस इंस्पेक्टर को चुनौती दे रहा हूं। मुझे माफ कर देना रंजन, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा, सिर्फ एक बार माफ कर दो रंजन। नहीं तो माफी के लायक नहीं है, तुमने मेरे साथ गद्दारी किया है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जगीरा फकीरा इस इंस्पेक्टर इस मोती को ले जाके किसी पेड़ में बांध दो। सर मुझे भी माफ कीजिए सर, आप घुस नहीं लिए है सर। चल बे साला, तेरे को उल्टा रखता हूँ, चल। हो तेरी लेकिन मुझे भी छोड़ दो रंजन, तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा कमीने। चुपचाप किस वर्दी को खोल दे कुत्ते, आज मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। नहीं नहीं वर्दी मत खोलो रंजन, मेरी नौकरी चली जाएगी। साला घूस लेकर किसी की जान लेता है और बोलता है कि नौकरी चली जाएगी, आखिरी बार कह रहा हूं किस वर्दी को उतार। खोलता हूं खोलता हूं सर। जल्दी उतार कभी ना, ये वर्दी तुम जैसे भ्रष्ट पुलिस इंस्पेक्टर के लिए नहीं बनी है।
अब तुम है छोड़ रंजन, अब तुम कितना मुझे जलील करोगे। जलील तो तूने किया था कभी ना, मैं तो सिर्फ तुझे सबक सिखा रहा हूं। अब मुझे छोड़ रंजन, आज के मैं घुस नहीं लूंगा। नए कुत्ते तुम जैसे पुलिस अफसर करिए, यहाँ जगह ठीक नहीं है। अब तुम ऊपर जाने की तैयारी करो, ऊपर जा कभी न। अब हमें अमन का घर चलना चाहिए। आखिरी लुटेरे को मिटाकर बहु बेटियों को बचाना हमारा धर्म है। क्या बात है अमन, आज तुम बहुत चिंतित लग रहे हो, क्या बात है? गजब हो गया यार, गजब हो गया। ना जाने अब क्या होगा, क्या हो गया अमन, कोई औजार ले लिया क्या? नहीं यार, धर्मपाल मारा गया, रंजन ने उन्हें मार डाला। क्या इंस्पेक्टर धर्मपाल मारा गया? हाँ यार मारा गया। तब तो सचमुच गजब हो गया, कहीं वह रंजन का मीना गांव की तरफ चल पड़ा तो सब झटपट हो जाएगा। पियो जी भर कर पियो, आज रंजन उर्फ राघा अपने हाथों से जान पिलाएगा। कौन हो तुम लोग? इतनी आसानी से भूल गया, मैं तुझे आज तक नहीं भूल गया, भूल पाया कभी ना।
मौका मिला, आगे को बोलने की कोशिश किया तो तुझे भी गोली से भूज दिया जाएगा। चिल्लाओ मत तभी ना, आज तुम लोग का काल आया है। चुपचाप यहां से चले जाओ रंजन, वरना हमें ही बंदूक चलाने आता है। अबे सारा टीवी का मरीज जगत को चला रहा है, ये तेरा खपड़ी उड़ा दूंगा। देखो रंजन, तुम्हारी दुश्मनी अमन से है, हमें परेशान मत करो वरना ठीक नहीं होगा। तो हम लोग के दो पानी हो, तुम दोनों का क्षमा क्षम्य है, चुपचाप कतार में खड़े हो जाओ। अरे रंजन, एक बार हमें माफ कर दो रंजन। हरमजादा माफी मांगता है, यदि माफी मांगना है तो जा मेरी बहन से मांग जिसने तूने मार डाला। ओ बात भूल जाओ रंजन, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। नहीं कुत्ते, तुमने मेरी बहन को मारा है, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर आज मारूंगा। तुम लोग क्षमा के पात्र नहीं हो, इसे मत छोड़िए बोस, वरना दहेज की कलीबेली पर कितनी दुल्हन चढ़ जाएगी। पत्ती ना, एक पत्ती में खड़े हो जाए कभी ने। पत्तीनों को एक साथ ऊपर भेजना है। नहीं नहीं, मुझे माफ करो, मैंने कुछ नहीं किया है। नहीं कुत्ते, तुम दोनों का दोस्त अच्छा में है, चुपचाप कतार में हाथ उठाकर खड़े हो जाओ। चल बसाला, लाइन बना चल तुम भी। जगीरा बगीरा, तुम दोनों भी मेरे साइड खड़े हो जाओ। हुक्म कीजिए बॉस। तैयार हो साथियों, तेज करते ही गोली चला दे रहा है। मुझे माफ कर दो रंजन। रुक जाओ रंजन, मुझे माफ कर दो। दो, रुक जाओ रंजन, मुझे मत मारो। मुझे छोड़ दे रंजन, अब मैं गलती नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दे रंजन। नहीं कुत्ते, तुझे मारने के लिए गोली बर्बाद नहीं करूंगा, तुझे तो गला दबा कर मारूंगा। तो आ जा। बुला अपने बाप को कहने, देखता हूँ तुझे आज कौन बचाने आता है। माँ
चंद्रमा और चिल्ला तुम्हें मेरी बहन की तरह और चिल्ला। मुझे छोड़ दे रंजन, मुझे छोड़ दे। माँ अरे तुम कहाँ हो, मदद करो माँ, ये मेरा गला पकड़ो है बेटा। अरे तुझे क्या हो गया बेटा? अरे यार हम खोर कुत्ते हैं, इसने क्या बिगाड़ा था तेरा जो तूने इसे मार डाला? अब तुम भी बच नहीं पाओगी दुर्गा, तेरे पाप से धरती का बोझ बढ़ रहा है। अब ऊपर जा तू भी। गोली खा दुर्गा और ऊपर जा। जितनी जरूरत उतना लोन।